नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। और बात करें आज एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। जी हां, ये घटना है थाने डिस्ट्रिक्ट में घटी हुई है, जहां पर एक माता पिता की लापरवाही का नतीजा उसकी बच्ची को भुगतना पड़ा। जी हां, पूरा परिवार पिकनिक पर गया हुआ था थाने में, जहाँ पर एक बंगलों के अंदर वो पिकनिक मना रहे थे। थाने के उस बंगलों के अंदर एक स्विमिंग पूल भी था, जहाँ पर उस बच्ची का पैर स्लिप हुआ, वो स्विमिंग पूल में गिर गई। जी हाँ, सही समय पर उसे निकाला नहीं गया और वो डूब गई। उसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। जी, बताया जा रहा है लड़की का नाम गीतिका नंदकर्णी है, जो अपने परिवार के साथ मुंबई के दहिसर इलाके में रहती थी। परिवार के साथ छुट्टी के दिन में पिकनिक के लिए निकले। परिवार को नहीं पता था कि आज उनके साथ इस प्रकार की एक बड़ी घटना घट सकेगी। जी हाँ, सावधानी अगर रखते तो आज शायद मासूम बच्ची जिंदा होती। बता दें, अगर परिवार के साथ कहीं पर भी अगर आप पिकनिक मनाने जाते हैं, तो इन बातों पर ज़रूर विशेष ध्यान दें कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय।